जो वन एनसीईआरटी का जो 1.2 सेक्शन है आपका वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पिछले लेक्चर्स में हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात किया था जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। और हम लोगों ने जो पढ़ना है यहाँ पे हमें उसे नीट को आधारित बना के पढ़ना है, जो भी कंटेंट हमें लेना है इसमें, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, IUCN के बारे में, टैक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर जो कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हम लोग डिस्कस करेंगे, देन मेन रूल्स ऑफ ICVM, फिर थोड़ा बहुत टॉटोनिम के बारे में, और देन वी विल डिस्कस टैक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कंटेंट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इस बात को हमें डिस्कस करना है। तो पिछली क्लास में जब हमने आपको लिविंग की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें हमने बहुत सारे कंटेंट्स डिस्कस किए थे, GRMCC बताया था, उसमें डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आपको बताए थे, और आज हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ये जो पूरा वर्ल्ड है जिसको हम लिविंग वर्ल्ड के नाम से जानते हैं उसका ओरिजिन कब हुआ। तो इसका ओरिजिन जो हुआ दैट वॉज 3.2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 3.2 बिलियन ईयर्स पहले इस पूरी पृथ्वी में जीवन का उद्भव हुआ, मतलब लाइफ ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी कहती है कि भाई इतनी सारी चीजों को हम डिस्कस करने से पहले इस चीज को लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। देखिए ये जो शब्द होता है बायो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है फॉर्म्स, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है फॉर्म्स। इसको थोड़ा सा इस क्लासरूम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए इतने सारे बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, कोई किसी स्कूल से होगा, कोई किसी जिले से होगा, किसी जनपद से होगा, ठीक है। सबका एक डिफरेंट डिफरेंट, आप लोग आए हैं अलग अलग जगहों से, ठीक है। देयर इज डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। और आप लोग सब लोग कहाँ इकट्ठा हो गए, इस नीट की क्लास में, गोरखपुर के नीट के क्लास में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने चारों तरफ पृथ्वी की बात करते हैं, धरती की बात करते हैं, तो जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं या घर में रहते हैं तो हमें चूहे दिखाई देते हैं, बिल्ली दिखाई देती है, बाहर निकलते हैं प्लांट्स दिखाई देते हैं, तमाम तरह की वेजिटेशंस निकालते हैं, कभी घूमने का मन हुआ चलो शिलोंग चले, वहां चले, वहां का फ्लोरा फौना सब अलग। तो यानी कि हम देखते हैं जैसे हमारा देश इंडिया, इंडिया इज टोटली डाइवर्स। वहां पे आपका नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, वेस्ट रीजन है, ईस्ट रीजन है, तो कितनी वैरायटीज ऑफ वेजिटेशन आपको मिल रही है, क्लाइमेटिक कंडीशन आपको मिल रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देयर इज डाइवर्सिटी। और इस पूरी डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है IUCN। ये आपके नीट का क्वेश्चन, ये IUCN के बारे में नीट में पूछा जाता है कि भाई ये जो बायोडाइवर्सिटी की आइडेंटिफिकेशन कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है IUCN, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, याद ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट। तो इन्होंने जो डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, फ्लोरा की, फौना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स के बारे में, फौना मतलब एनिमल्स के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को बताया कि जो हम अभी अप्रोक्सीमेट इन्होंने आइडेंटिफाई किया स्पीशीज को वो आपका कितना है, इन्होंने बताया 1.7 से 1.8 मिलियन, कितना मिलियन, 1. ये आपके नीट का क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया बायोडाइवर्सिटी जो आपके पूरे लिविंग वर्ल्ड में है, IUCN, IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई 1.7 से 1.8
करके मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाइड है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी जो आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर है। अभी जो इन्होंने दिया है वो 1.9 हो गया है, बट चूंकि एनसीईआरटी आपको अभी नहीं डिक्लेयर कर रही है तो आप इसी अगर ऑप्शन में आएगा तो आप किसी को टिक करें। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा गड़बड़ ये करते हैं कि ये जो मिलियन है कभी कभी बिलियन हो जाता है। जैसे आपके ऑप्शन में ये हो गया कि 1.7 से 1.8 बिलियन, तो उसको टिक कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है दिस इज 1.7 से कितना 1.8 मिलियन। 1 मिलियन और 1 बिलियन की बात करें, 1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन बिलियन अगर आप बिलियन की बात करते हैं तो ये आपका 10^9 यानी 100 करोड़। करोड़ माने 7 0 और 100 करोड़। 100 करोड़ की बात करते हैं तो यू टेल इसको बोलते हो आप 10^9। ठीक, अगर 1 मिलियन की बात करते हैं तो 10 लाख यानी 10^6। यहाँ 10 लाख से याद रखिए आप, और यहाँ आप याद रखिए 100 करोड़। और वैसे अगर बात होगी तो यहाँ पर 10^9 से 10^ क्या है ये 6 मिलियन में कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख और यहाँ पे 100 करोड़। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आता है कि भाई जो IUCN है उसने इसको 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाई की, ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब आपको यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए अब इस पूरे फ्लोरा एंड फौना और बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर इतने स्पीशीज आपके पास है आइडेंटिफाइड तो उसमें कितने प्लांट होंगे, कितने एनिमल्स होंगे। तो हम बताते हैं इसको कि जो एनिमल्स होंगे वो आपके कितने होंगे, 1.2 मिलियन। ठीक है, और प्लांट्स कितने होंगे, प्लांट्स की बात अगर हम करते हैं तो दैट इज 0.5 ना, यानी दुनिया को प्लांट्स में इंटरेस्ट नहीं है, पूरी पृथ्वी को बचाना है, हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब इसमें आपका पूरा स्कोप है, खूब रिसर्च करो इसमें। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1.2 मिलियन कितना है, क्या है एनिमल्स जो स्पीशीज आइडेंटिफाइड है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो कितना है, 0.5 मिलियन। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न आपका आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आता है कि भाई जो एनिमल्स है उसमें सबसे जो लार्जेस्ट उसका पॉपुलेशन देखा जाए तो वो इंसेक्ट्स में है। ये आपका क्वेश्चन, ये कितना है, ये आपका 10,25,000 यानी के आपके 1.2 मिलियन में सबसे ज्यादा किसने ले रखा है इंसेक्ट्स। नाउ द क्वेश्चन इज, नीट का आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्यों इंसेक्ट्स, व्हाई। इसलिए नीट का ये क्वेश्चन है आपका कि इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन क्यों इतनी ज्यादा है पूरे विश्व में, एनिमल किंगडम में। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। और ये एक्सोस्केलेटन जो होता है वो इम्परवियस टू वाटर होता है। इम्परवियस मतलब होता है जैसे कॉकरोच को पानी में डालो तो ऊपर आ जाता है, मैंने कई बार डाल के देखा है उसको। तो इंसेक्ट्स जो है वो जनरली ऐसी कंडीशंस को, जो रिवर्स कंडीशंस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको अडेप्ट कर देते हैं। उनकी डाइवर्स हैबिटेट्स है, डाइवर्स अडेप्टेबिलिटी है। ठीक है, तो इस वजह से चूंकि ये ऐसी कंडीशंस में अडेप्ट कर लेते हैं, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज इम्परवियस टू वाटर, मतलब वाटर एंट्री नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ काइटिन। क्या होता है इनके में, काइटिन। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इस काइटिन की वजह से पानी की एंट्री नहीं होती है, वो डाइवर्स हैबिटेट्स में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बन गया जिसको कि आप पढ़ रहे हैं। देखिए बायोडाइवर्सिटी, देखिए एनसीईआरटी ये नहीं कहती कि आप चीज़ों को ना समझिए। ठीक है, आपको ये समझना है कि इसी चीज़ को हम पढ़ें और कहाँ कहाँ से हम कॉर्नर से क्वेश्चन लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम हमने शुरुआत क्या की थी, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमने बताया कि भाई बायोस एंड डाइवर्स फॉर्म्स के बारे में, फिर हमने बताया कि IUCN के बारे में बताया, फिर हमने बताया कि भाई 1.7 से 1.8 मिलियन आपके ये भी है। फिर हमने आपको बताया कि 1.2 मिलियन जो है वो आपका क्या है, एनिमल्स है, उसमें आपके 10,25,000 इंसेक्ट्स हैं और उसमें प्लांट्स इतने कम है, ठीक है, 0.5। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहीं पे कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में हर जगह आपको जीव जंतु मिलेंगे, तो इतनी वैराइटीज क्यों है? बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई इतनी डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्यों है? दिस इज द क्वेश्चन। ये आपके नीट का क्वेश्चन है कि क्यों डाइवर्सिटी है। देखिए आप ये जानते हैं डाइवर्सिटी माने, डाइवर्सिटी तभी आती है जब विभिन्नताएं आती हैं, और हम इंसान या हम जो प्लांट्स हैं या जीव जंतु हैं उनके अंदर न्यू स्पीशीज, न्यू वैराइटीज बनती रहती हैं बिकॉज ऑफ दी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या है, डाइवर्सिटी, ठीक है। इंसेक्ट्स में जो हम देखते हैं कि भाई ये इंसेक्ट है, फिर एक नया इंसेक्ट हमने देखा अडैप्ट हो गया या डिस्कवर हो गया या फिर वो पैदा हो गया, ठीक है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से न्यू वैराइटीज फॉर्म होती है। जैसे मान लीजिए आप एक आम है आपके पास, वो आम हमेशा जल्दी सड़ जाता है लेकिन बहुत मीठा होता है। एक जंगली आम है और वो जंगली आम जो है लेकिन बहुत रेजिस्टेंट है। जब हमने दोनों आम की वैरायटी को क्रॉस किया, नेचर में क्रॉस हो गया किसी दूसरे, ठीक है, तो एक ऐसी आम की वैरायटी बनी जो बहुत मीठा और बहुत रेजिस्टेंट, जैसे कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। तो नेचर ने अगर इस तरह की चीजों को पैदा किया है तो वो बिकॉज ऑफ किस में, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हम क्या करते हैं, वेरिएशंस लाते हैं, बदलाव लाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इतनी डाइवर्सिटी इसीलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से डाइवर्सिटी पैदा होती है और इसकी वजह से एडेप्टेबिलिटी पैदा होती है, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी समझते हैं, किसी हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव कर लेना, वहां रहना, अपने आप को उसमें स्थिर रखना, ठीक है। तो इस तरह की बात यहाँ पे आती है। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी जो है, क्योंकि हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे और थोड़ा सा हम चूंकि इसको बता दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए बायोडाइवर्सिटी तीन तरह की होगी, अल्फा, बीटा और ओमेगा। केवल इसको आप याद रखिए, अल्फा का मतलब होता है विद इन, बीटा का बिटवीन और ओमेगा होल। तो अल्फा वाले में क्या होता है कि हम मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स लेते हैं, बीटा में हम दो तीन कैरेक्टर्स लेते हैं, जैसे साइटोलॉजी भी ले लेंगे, मॉर्फोलॉजी भी ले लेंगे, एनाटॉमी भी ले लेंगे। ओमेगा में हम क्या करेंगे, बायोकेमिकल एनालिसिस, ठीक है, कि कौन सा केमिकल है उसके अंदर, उस प्लांट के अंदर, उस एनिमल के अंदर, उस अथा। तो ये छोटी सी बात है जिसको हम बाद में विस्तृत तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी टैक्सोनॉमी। भाई ये जो टैक्सोनॉमी है इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों हमने टैक्सोनॉमी स्टडीज की? टैक्सोनॉमी सुनते हो, ठीक है, टैक्सोनॉमी पढ़ने का ये है कि मान लीजिए अगर हमें ये बच्चा पूछना हो कि बेटा तुम कहाँ से आए हो, किस क्लास के, क्या नाम है, ठीक है, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में है कि ये बच्चा कहाँ से आया, किस नाम का है, किस क्लास का, तो ये कहेंगे मैडम हम देवरिया से आए और देवरिया में हम किस पर्टिकुलर प्लेस से आए, इस पर्टिकुलर प्लेस में मेरा ये घर है, मेरा ये नाम है, कब हम इन्हें जानेंगे, यानी इन्होंने अपने आप को क्लासिफाई करके रखा हुआ है, ठीक है, एक अरेंजमेंट से कि भाई हम अब इनको ढूंढना हो पूरी दुनिया में हम लोगों को, तो हम लोग इनके पीछे पुलिस लगा देंगे तो हम जान जाएंगे ना कि देवरिया का ये बच्चा है, ठीक है, और इसको हमें पकड़ के लाना है। तो यानी कि वी हैव क्लासिफाइड दिस पर्टिकुलर, ठीक है, उसको हमने क्लासिफाई किया है, उसको चीजों को जाना है कि उसको वर्गीकृत किया है, तमाम बातें आएंगी अभी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि इतने बायोडाइवर्स हैबिटेट, इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें अगर किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ना पड़े तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे,
हमें उसका नाम जानना है, उसकी जगह जानी है, कहाँ से आया है, ठीक है। तो इन सब के लिए अब जैसे मान लीजिए एक बात बता रहे हैं आपको, आलू है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में आप आलू बोलते हो लेकिन गुजरात में आप बटाटा बोलते हो, ठीक है, साउथ में कुछ और बोलते हैं, ठीक है, वहां पे आलू बोलोगे तो नहीं समझेंगे। तो ये लोकल नेम्स होते हैं, ठीक है। लोकल नेम्स को अगर हम चाइना में जाए और वहां कोई साइंटिफिक मीट हो तो तुम आलू आलू करोगे तो कुछ नहीं समझेगा। तो हमें जरूरत पड़ी सम लैंग्वेजेस, तो वहां पे कुछ लैंग्वेजेस आए जैसे लैटिन और ग्रीक। और लैटिन और ग्रीक ये दोनों जो होती है दे आर डेड लैंग्वेजेस। डेड लैंग्वेजेस क्या होती है? जो अनचेंजेबल होती है, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे रोमन लेटर्स की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कलर है तो सी ओ एल ओ आर भी है, सी ओ एल ओ यू आर है। बट जब हम, और दूसरी चीज कि किसी भी ऑफिशियल वर्क में लैटिन वर्ड नहीं यूज करते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई लैटिनाइज कर दिया जाए जो हमारे हर जगह। तो जो साइंटिफिक नेम्स होंगे उनको हम लैटिन में पढ़ेंगे या हम ग्रीक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, ठीक। तो टैक्सोस टैक्सेस, देखिए कभी भी आप साइंस पढ़िए तो अगर उन शब्द को समझ सकते हैं तो उसे समझिए। टैक्सेस शब्द का क्या अर्थ होता है? टैक्सेस शब्द का अर्थ होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने लड़कियों को इस तरह बैठा दिया, लड़कों को इस तरह बैठा दिया, ठीक है, एक अरेंजमेंट हो गया। मैडम यहाँ खड़ी हो गए तो दिस इज एक अरेंजमेंट हो गया कि भाई टैक्सेस का मतलब हो गया अरेंजमेंट। और नॉमी या जिसको हम नोमोस कहते हैं ये आपका हो गया क्या, लॉ, कानून। यानी हम किसी कानून के तहत क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी में हम अरेंजमेंट करेंगे। यहां से आपका क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई टैक्सोनॉमी शब्द किसने बताया था, हु कॉइंड द वर्ड टैक्सोनॉमी। तो यहां ये आपका नीट का क्वेश्चन हो गया ये कि एपी बी चाइना, ठीक है, एपीडी केंद्र साहब ने इस शब्द का क्या किया था, क्वाइन किया था, ही क्वाइन दिस टर्म टैक्सोनॉमी, ठीक है भाई। नाम ढूंढ दिया, नाम ढूंढ दिया तो काम तो होना ही होना है। तो काम होने के लिए जो क्रेडिट जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, योर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज अरे रिनाउंड साइंटिस्ट योर कार्लस लीनियस, ही इज अ स्विस बोटानिस्ट। ये स्विस बोटानिस्ट थे और हिज नेम इज कैरलस लीनियस, ठीक है। तो अच्छा, इंडियन अगर हम बात करें कि इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, आ भी सकता है क्वेश्चन, तो ये आपका है अगर हम इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो ही इज योर सांता पाओ। सांता पाओ इज योर इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो यहां से आपके दो प्रश्न तो बिल्कुल बनते हैं, एक तो एपीडी कंडोली, दूसरा आपका फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज योर कैरलस लीनियस। अच्छा ठीक है भाई, टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है आपका सी आई एन सी। देखिए इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। जब हम किसी, हम चले गए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबको पता है या नहीं है चलिए मैं बता देती हूँ। जो आपका इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया होता है लैटिट्यूड्स में अगर हम बात करेंगे, तो उस एरिया को हम इक्वेटर ट्रॉपिकल ट्रॉपिक्स कहते हैं। और वही आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, फर्स्ट ऑप्शन में अगर रहेगा, देखिए ऑप्शन बहुत हो सकते हैं, अगर उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहेगा तो आप उसको टिक कर देंगे। दूसरा जो सेकंड पोजीशन पे है दैट इज योर कोरल रीफ्स। कोरल क्या होता है भाई, मूंगा पहनते हो, मूंगा जानते हो, नाम सुना है मूंगा, सुन भाई ये मंगल, मंगल की दशा खराब हो गई, पंडित जी कहते हैं मूंगा पहनो, आप कहिए सर कोरल रीफ पहनाइए। जनरली जो कोरल होता है वो रेड या ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है।
तो हमारी मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ से, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला कि बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। दूसरा क्वेश्चन सेकेंड लेवल पे आपका कोरल रीफ्स, तो अगर वो ट्रॉपिकल रहेगा तो वो लगेगा, नहीं रहेगा तो कोरल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी की। अच्छा, इंडिया में आपके कहाँ कहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये भी देख लीजिएगा। कुछ उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं कि जब महाराष्ट्र से आप चलेंगे और साउथ की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अंडमान निकोबार में भी है, ब्रह्मपुत्र साइड में भी है, ठीक है। वर्ल्ड में आपके अमेजन वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी रिच वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और एक चीज और बता दें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आज भी ऐसी स्पीशीज मौजूद है जिन्हें ढूंढा नहीं जा सका है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंटर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो हम टैक्सोनॉमी की बात कर रहे थे, हमने बताया कि द टर्म एपीडी पेंडोली दिया था इन टैक्सोनॉमी, इन्होंने दिया था, फिर कैरलस लीजे साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था, यानी ये फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी कहलाए। और हम किसी भी अगर स्पीशीज को या प्लांट को या एनिमल को ढूंढते हैं, मान लीजिए कि हमको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चले गए, हमको कोई प्लांट मिल गया, तो हमने कहा कि यार ये तो एकदम आलू की तरह इसका इसके लीव्स लग रहे हैं, घर में हमने आलू देखा है कैसे उगता है, तो हम उसके कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कि आलू बिलोंग्स टू विच फैमिली, सोलेनेसी। तो हमने कहा कि यार शायद ये सोलेनेसी का मेंबर है ये वाला जो प्लांट हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखा। तो हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे कि भाई इसमें ऑब्लिक प्लेसेंटा है, स्वेलन है, ठीक है, और हो सकता है कि ये सोलेनेसी का। तो हम कुछ कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। तो जब हम कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं, समझना है, ठीक है। तो हम यहां बात करेंगे कि भाई कैरेक्टराइजेशन एक चीज हो गई। अब कैरेक्टर हमने देख लिया कि लगता है उसी के सोलेनेसी यानी आलू से ही बिलोंग करता है। तो हम तीन चीजें आती है जो आपके एग्जाम में सीरियल आता है, पूछता है। अगर मान लीजिए एक पहला है ये आपका आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नोमेनक्लेचर, तीसरा है आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये सीरियल आपको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, आई एन सी से आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर कंपैरिजन, यानी कि आपका ये जो है क्लासिफिकेशन, तो इसको